class 5. I hope you all are good. Today we're gonna start unit number 1, exercise 1C. Our third question was on multiple choice. You have to solve this multiple choice by yourself. Question number 4, multiply the following numbers by 10. In multiples multiply करना है अपने इन numbers को 10 के साथ. इसको हम multiply अलग working के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें इजी में बताऊंगी आप इसको multiply किस तरह कर सकते हो. 1 के साथ आपको कितने zero नजर आ रहे हैं? 1 के साथ only 1 zero. आप इसके साथ 1 zero add कर देंगे. 1 and 1 answer. Next आपके पास कितने zero हैं? 1 2. You have to add 2 zeros. Next question. 1, 2, 3. Because multiply the following by 1000. 1000 have 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Here we go. 4, 5, 6 question में आपने 10, 100 and 1000 को multiply करना था. जिनको करने का आसान तरीका था कि आपने उनके साथ zeros add कर देने हैं उतने ही. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स. अब आपने मल्टीप्लाई नहीं, आपने डिवाइड करना है. इनको डिवाइड करने के लिए आप वर्किंग में ऐसा मेथड यूज करते हैं, ऐसा ही है ना. इसके लिए आपको 10 और 3 40 7 0 8 0 मान लेना, लेकिन आपको हम इस मेथड को नहीं करेंगे. हम इसका सिंपल किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई में आपने ऐड करना था, डिवाइड में आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. मल्टीप्लाई में ऐड और डिवाइड में सबट्रैक्ट. 1 0 0 के साथ 10 के साथ कितने जीरो थे? 1. हम इसमें 1 0 को माइनस कर देंगे तो आंसर हो गया 3 4 7 0 8. इसी तरह 1 0 2 3 8 2 0 इज द आंसर. यहां पे भी 0 को माइनस कर देंगे. माइनस करने से हमारा आंसर ये आ गया. ठीक है, अब यहां पे 100 के साथ है तो 100 पे कितने जीरो थे? 2. हमें यहां पे कितने माइनस करने हैं? 2 1 8 4 2 7 8 0 0 1 3 2 7. तो देखा कितना आसान है ये. इसमें है 1000, 1000 में कितने जीरो थे? 3 8 5 6.